सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आई होप ये व्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आए, जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे सपोर्ट प्यार के साथ कमेंट किया था। और एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम आज जाने वाले हैं कोटा से लखनऊ बाय रोड जाएंगे, तो आगे के जो डिटेल्स है मैं आपको आगे बता दे जाऊँगा। और अभी टाइम हो रहा है 5:14 हो रहा है, सॉरी, तो हम निकलते हैं और आगे के डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दे जाऊँगा, तो चलते हैं। वैसे तो आज क्या है कि दो गाड़ी जाएगी, तो एक तो क्या है मारुति सुजुकी का रीड्स है और एक XUV 5W। तो एक जो गाड़ी होगा उसमें मैं और मेरा एक फ्रेंड जाएगा और साथ में एक पेट है, डॉग है जो जैक है, वो पक्का डिस्टर्ब करेगा ट्रिप को। और दूसरा जो 5W है उसमें मेरा पापा, मम्मी एंड नानी और एक छोटा भाई जाएगा। तो अभी मैं आपको ऐसा करता हूँ, दिखाता हूँ। एक में तो काम चल रहा है, पैकिंग चल रहा है, और दूसरा वाला दिखाता हूँ आपको। अभी देखते हैं, ये है रिट्स, इसमें भी मेरा भाई बैठा हुआ है और ये मैं ड्राइव करूँगा। ये बीच में इसलिए लगा के रखा है, स्पेस बहुत है, लेकिन क्या पीछे ना वो जैक है हमारे साथ, वो परेशान करेगा। हाँ, यहाँ पे जैक अभी बैठेगा, पूरा शेड उसके लिए, पूरा सोफ़ा उसके लिए, यहाँ पे सामान है। दूसरे गाड़ी में तो अभी पैकिंग चल रहा है, लेकिन इसको लेना भूल गए। ये देखो जैक, अरे जैक चले चले चला जा, चलता है जा, उसको बांध के रख दिया था पूरे रात। सो गाइस अभी हम लोग यूवी के घर पहुंच चुके हैं और यूवी आ ही रहा है, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये मेरा दोस्त है यूवी, आज चलेगा मेरे साथ ट्रिप में। तो और पीछे वही जैक बैठा हुआ है, आगे गाड़ी निकल चुकी है XUV। तो चलते हैं, अभी सेफ जर्नी हो, लेट्स गो। अभी फिलहाल हम लोग पेट्रोल भर लिए, अभी थोड़ा बहुत भर लिया, अब जाके ना मतलब वहाँ पे भरेंगे झांसी में। तो अभी पहला ये है कि पहले बंद कर लेता इसको, अभी पहला ये है कि हम सबसे पहले 12 जाएंगे, है ना। तो पहला हमारा 12 आएगा, फिर उसके बाद शिवपुरी, फिर कानपुर, फिर उसके बाद झांसी, नहीं पहले झांसी, फिर उसके बाद कानपुर, फिर 5th स्टॉप लखनऊ आएगा। तो अभी चलेंगे, रास्ते में आपको जो भी सिनेमैटिक सीन्स होगा वो आपको दिखाते रहेंगे, और जहाँ पे स्टॉपेज होगा वो सब एंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे बढ़िया सा, सब कुछ सामान भी है। या यूवी एंजॉय कर रहा है सुबह सुबह, बिल्कुल बिल्कुल बिना खाली पेट के साथ कोक में एंजॉय कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये सो रहा है? नहीं नहीं, कुछ चबा रहा है। ए मादर अपना काम कर रहा, कुछ तो चबा जैक, क्या है तेरे पास? वो हेल्प पता है, कुछ चबा रहा। अभी यहाँ टोल प्लाजा में रुके हुए हैं आशीष, ये जैक, जैक के लिए कुछ बनाया है। आशीष क्या है दिखाना? रोटी है। अच्छा, उसको क्या हो गया? जैक जैक इसको उधर खिलाएंगे, नहीं खाएगा, चलो खा क्यों नहीं रहा, दरवाजा खोल, नहीं खा रहा, दरवाजा खोल, उधर जा, क्यों नहीं खा रहा? तो छोड़ दिया जैक ने यार, हमारा तो बंदोबस्त करके रखा है। हमारा तो अभी आशीष ने दो मोमोज है और ये पनीर पेटीज है, अभी खाएंगे आशीष। हमारा तो बंदोबस्त हो गया, हमारा तो हो गया, तो पनीर पेटीज लाया था घर से और मोमोज है वेज, सैनिटाइजर है इसके साथ, सैनिटाइजर खाएंगे मतलब। और बस कोक भी खत्म होने वाली है भाई, थोड़ा काम चला फिर आगे जाके खाएंगे। चलो आगे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, जो भी करेंगे आपको बताएंगे। चलो हाँ, तो क्या थे, चलो। हाँ चलो, आमा गाचे नाइको बुबु भजा बादाम, आमा गाचे पादे सुदु काचा बादाम, ये तुरा मात्र बाला थागे जो दिसी दिगोने चल, ये हो जाबन साथ जमा
गाइस अभी फिलहाल हम झांसी पहुंच चुके हैं. झांसी के अभी यहाँ पे लिटरली पेट्रोल प्राइस देखो कितना हो गया है. मतलब डीजल का डीजल 86 और पेट्रोल 94 पेट्रोल 94 है. मतलब जब भी आप लोग आओ ना, जब भी आप लोग को ट्रैवल करोगे तो मतलब यहीं पे झांसी से बेस्ट रहेगा पेट्रोल पंप में, तो यहाँ पे आप भर सकते हो. अभी देखते हैं, अभी देखते हैं लंच शायद कानपुर के पास करेंगे. और वैसे लगभग 4-5 धीरे चलेंगे तो 5-6 बज जाएंगे. काफ़ी लंबा रूट है, थक गया वैसे. अभी एटलीस्ट हम लोग झांसी से 50-60 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं और अभी खाना खाने जा रहे हैं. तो होटल का नाम, ओए होटल का नाम क्या था? श्री कृष्णम फूड प्लाजा. पता नहीं नाम हिंदी में लिखा है इसलिए आपको दिखाता हूँ. बोलना तुझे क्या खाना है? अभी पुरुष में जाएंगे. पुरुष पुरुष क्या तो महिला में कौन जाए? कोई नहीं है. अच्छा हुआ मैंने सैनिटाइजर यूज़ कर लिया था. क्यों? हाँ ठीक, समझ गया समझ गया. ये है वो. What? What the fuck? पूरा तो पानी है. मैं तो यूज़ कर रहा हूँ. क्या पानी ले. बढ़िया है भाई. ऊपर एक फैन भी लगा हुआ छोटा सा. हाँ ये अच्छा है, हर जगह देख. चार लोग बैठ जाएंगे यार. चलो भाई चलो चलो चलो. उठा उठने को बोल दो. तो भाई फूड टेस्ट करके ही बताना पड़ेगा आप लोगों को. और क्या क्या डिश पे वो भी खाएंगे. क्यों भाई खाएंगे ना तू? हाँ बोलता पानी सब कुछ कर लिया है, पेट पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया. वैसे क्या है यहाँ से एटलीस्ट 210 किलोमीटर्स बाकी है लखनऊ के लिए. लेकिन अभी पापा को क्या खाना खाया ना जस्ट हम लोगों ने, और तब से सुबह से मॉर्निंग से ड्राइव कर रहे हैं और मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ. ऑफकोर्स खाना खाया उसके बाद तो थोड़ा बहुत नींद आ रहा है. और 5-5:30 बज जाएंगे अभी वहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं. अभी मैं भी रेस्ट करूँगा 15-20 मिनट, उसके बाद चलेंगे. क्योंकि क्या नींद आ रहा है मेरे को भी, तो मैं थोड़ा सा कार के अंदर थोड़ा चीज नीचे करके.
यहाँ से एटलीस्ट 100 किलोमीटर बाकी है, तो कम से कम 3 घंटा और लगेगा। बट ऐसे जाएंगे तो लगता नहीं आज पहुँच पाएगा। पहुँचेंगे तो सही, लेकिन यहाँ बहुत ट्रैफिक हो चुका है। चलते हुए गाड़ी से पूछ लो यार कितना टाइम मिल गया। अभी पूछता हूँ मैं तो। यूपी की भाषा में कैसे है पता क्या तो है। सही में यार टाइम लगा है। देखा इधर आए ना तो इधर से सब निकालने लगे, और पहले इधर से तो इधर से सब निकाल रहे थे। अब मैं क्या बोलूँ, देखो ना अभी कितना एकदम पूरा पीछे तक, ये पता पूरा एक ब्रिज है। फिर लग गया वापस फोन में। जैक ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है। मैं हूँ स्ट्रेट, बहुत सब लौंडा जैसे बोलते हैं। हाँ बस हो गया। एक बार दिखाना सर, अब क्या हुआ? सख्त लौंडा शर्मा। अभी यहाँ से 2 घंटा 3 मिनट 2 hours and 3 minutes और किलोमीटर 76 किलोमीटर है। चाय पीने आया था अभी, वैसे तो बहुत थक गया यार, सुबह से ड्राइव कर रहे हैं, एकदम कमर भी दर्द कर रहा है। और वैसे पता है पहली बार पी रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं इसको, कुल्लड़ मिट्टी का, पहली बार पी रहा हूँ। नहीं नहीं पहले बहुत टेस्टी है, पता नहीं क्यों पीते लेकिन टेस्टी है। मज़ा आया, मज़ा आया। नाइस। अभी चलेंगे 5-10 मिनट के बाद, फिर डिनर वहीं पे रहेगा, गेस्ट हाउस में रेडी है बोला सबका। कॉन्टिनेंटल डिश है इंग्लिश फूड। और अभी यहाँ पे चाय पीने गए थे, और कुल्हड़ वाली चाय बहुत टेस्टी था, पहली बार पिया था। और ये खा रहे हैं, ये तो पहली बार नहीं खा रहा ना। नहीं नहीं अभी एक्चुअली यहाँ से 76 किलोमीटर्स और हैं, जिसमें 2 hours and 3 minutes और बता रहे हैं। बट अगर ट्रैफिक होगी तो वही 3 घंटा और लग सकता है। यहाँ पे चाय पिए थे, बहुत टेस्टी था। कहें मंडा की नहीं ढाबा, एक सेकेंड, मंडा सही तो पढ़ रहा है लोग। हाँ तो गाइस फाइनली भी नहीं, अभी एटलीस्ट 13-14 किलोमीटर बाकी है। और ये जो देख रहे हैं ना आगे, देखो ना ये जो कैसे है, ऊपर मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ से कम मेरे ख्याल से 1 घंटा और लगेगा। है तो पास में ही, लेकिन यार ट्रैफिक जाम ऐसा हो रखा है ना, मेरे को बोल नहीं पा रहे अभी। नींद नहीं, मतलब भूख लग रहा है और कमर दर्द हो रहा है। आज ये मालिश करेगा मेरा। तो राइट नाउ फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और गेस्ट हाउस में पहुँच चुके हैं। ये गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया है, और बस थोड़ा बहुत इसेंशियल सामान है जो आज के लिए जो ले जाना है। पापा मम्मी सब ऊपर लेकर चले गए अपना अपना सामान। हमारा गेस्ट हाउस वो रहा ऊपर, वहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे लाइट लगा हुआ है, 3rd floor अपर सेट में 12 और 13। तो अभी चलेंगे, बस खाना नहीं खाया। खाना में तो पता नहीं लगता नहीं इतना वो बोला हुआ है, मतलब खाना क्या है, डिनर नहीं होगा, थोड़ा स्नैक्स वगैरह है, तो वही अब काम चला लेंगे आज रात। तो अभी टाइम भी तो 1:25 AM ऐसा कुछ हो गया, 1:30 बज गया, तो सामान भी इतना जा रहा है। चलो आपको मैं अभी फ्रेश होके मिलता हूँ, फिर खाना वाना खा के फिर बताता हूँ। अभी फ्रेश हो गया, अब ये भी खाने का इंतज़ाम कर रहा है। चलो देख के आते हैं। खा ले
ठीक है तू खा ले। अरे सब सब दो दो मतलब एक एक यहाँ सब दो दो है लेकिन तेरे एक मेरे है। ये खीर है ये नहीं नहीं ये खीर नहीं ये है ये नहीं यार रुक रही रुक रही। ये कटलेट हो गया ये भी समथिंग समथिंग है ये देखकर ही पता है ब्रेड ये एएसएमआर भी करेंगे हम सब देखो खाते ना फिर गाइस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आज बहुत मतलब एग्जॉस्ट हो चुका हूँ पूरा बॉडी मतलब पूरा बॉडी एग्जॉस्ट हो चुका है और पूरा बदन पूरा दर्द कर रहा है मैं सोने में अभी जस्ट खाना खाया ना तो बहुत नींद भी आ रहा है तो बस इतना ही है। और इस व्लॉग में अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक तो देना ही है अगर अच्छा लगा और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही आपके प्यार के साथ सपोर्ट कीजिए और आशीष शाइनिंग ऑफ गुड नाइट। और आगे जो आगे कमी एक और व्लॉग होगा जो लखनऊ के स्ट्रीट फूड होगा इसी पगले के साथ जो कैमरा मैन है यूवी मैन तो इस यूवी के साथ ही होगा लेकिन उसके लिए आपको पता है क्या करना है चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को प्लीज़ जाके ऑल सब्सक्राइब में रखना ताकि आपके जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास आए। गुड नाइट बाय बाय एंड सी यू लेटर।